गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम आपको बताएंगे इस गाड़ी को लेने का पर्पस क्या था मेरा और इस बाइक में क्या क्या मुझे चीज़ अच्छी लगी। फर्स्ट इसकी परफॉर्मेंस इस सेगमेंट में बेस्ट गाड़ी है 3 लाख के अंडर में। हमें ये बहुत बढ़िया लगी बिकॉज इसके लुक्स और रोड परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। इसकी पिकअप भी बहुत बढ़िया है इसका, मतलब कोई भी आपके बगल में अगर 250 की कोई और सेगमेंट की जा रही होगी तो उसको टक्कर दे देगी 300 तक सीसी में। इस बाइक का आपको ओवरव्यू देता हूँ मैं, क्या क्या मुझे अच्छा लगा और क्यों आपको बाइक करनी चाहिए। अच्छा, इसका पीछे का सेक्शन का टायर बता देता हूँ, 150 सेक्शन का आता है ये, बहुत 249 की पावर के लिए बहुत अच्छा टायर है। और इसका लिक्विड इसका आगे का टायर आता है 110 सेक्शन का, बहुत ब्रॉड है, ऑफ रोडिंग के लिए भी बहुत काम आता है। और सेकेंड इसका नई वाली ड्यूक में इसका कूलेंट यहाँ पे दिया गया है, ये देखो यहाँ पे बहुत अच्छा है रिफिल करने के लिए। पहली वाली में इधर अंदर आता था वहाँ पे बहुत दिक्कत होती थी। और सेकंड इसका लिक्विड कूल इंजन दिया गया है 4C में। तीसरी चीज गाइस का एग्जॉस्ट अंडर बेली में दिया गया है, इसकी साउंड भी बहुत प्यारी है। और 150 सेक्शन का बैक में टायर आता है, ये भी बहुत ब्रॉड है इस सेगमेंट की बाइक के लिए। गाइस फोर्थ इसका LED मीटर, ये देखो पहली वाली ड्यूक में 200 वाला छोटा मीटर आता था, इसमें LED 390 की तरह दिया गया है। आगे देख लो, यहाँ पे मैंने सुपर ड्यूक के लिए टेपिंग कराई है थोड़ी सुपर ड्यूक वाली, इसकी बहुत अच्छी आगे से फोकस है। कंपनी में पहले से ये लगा दिए हैं डबल इंडिकेटर के, इसमें फ्लैशर्स देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे इसमें देखो बटन दिया गया है और इसमें फ्यूल स्विच याला दिया गया है, दूसरे बेस्ट क्वालिटी के इसमें बटन लगाए गए हैं इस सेगमेंट में इस प्राइस में। और इसमें देखो चाबी ऑफ करने में भी इसमें ये इंडिकेटर जले रह जाते हैं, ये बहुत अच्छा है। कहीं पे बाइक ख़राब हो जाए या कुछ हो जाए, टायर पंचर हो जाए तो आप चाय बंद करके आराम से जा सकते हैं, इसका इंडिकेटर ओपन रहेंगे, मतलब मीन्स ये पार्किंग लाइट टाइप का है बस बंद। इस सेगमेंट की ये बेस्ट बाइक है जो लाइट वेट में भी है और सीट हाइट भी इसकी इस बार बहुत कम कर दी गई है, जो टॉल राइडर होते हैं वो भी चला सकते हैं। इसमें क्विक शिफ्टर भी दिया गया है, ये बहुत काम आता है राइडरों के लिए जब भी कहीं पर ड्रैग रेस या कुछ करनी होती है। और सेकंड इसका हीटिंग इशू बहुत कम कर दिया गया है बाइक का, देख सकते हैं आगे फैन लगा दिया गया है, ये भी अच्छी क्वालिटी का है, ऐसी बात नहीं है चलेगा। तो गाइस इसमें WP के FX के सॉकेट दिए गए हैं, यही 390 में दिए गए थे, इसके बहुत प्यारे वो हैं सस्पेंशन। और इसमें इस वाली में साइड में सॉकेट दिए गए हैं जिससे बाइक की हाइट थोड़ी छोटी हो जाती है। और इस सेगमेंट में सबसे बेस्ट बाइक है, अगर आप लेना चाहते हैं कहीं जॉब करते हैं या बजट थोड़ा कम है तो 3 लाख में सबसे बढ़िया है। और गाइस आपको इसकी ट्रेल डाटी बताता हूँ, यहाँ पे LED दी गई है नई लुक में, ये 50 में आती थी, इसको ऑन करके दिखा देता हूँ आपको मैं गाइस इसकी ट्रेल डाटी, इधर मानना वो ऐसे कुछ इसकी ट्रेल डाटी आती है, ये देख लो LED में। गाइस ये इस बाइक का ओवरऑल रिव्यू, ये बाइक बेस्ट है इस प्राइस में, ये इसलिए लेनी चाहिए बिकॉज इसमें बहुत सारी चीज़ आती है 250 cc में, टॉप बाइक है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग में, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दो चैनल को, और आपका सपोर्ट चाहिए ऐसी ब्लॉग आते रहेंगे अच्छे। थैंक यू वॉचिंग माई ब्लॉग।